मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता सब खैरियत नाल होवोगे। ते अज नई वीडियो लैके आए तुहाडे वास्ते, जिहड़े लोगां दोस्तां दे जितने भी छोटे बच्चे ने या वड्डे जानवर ने, मौसम दी तब्दीली दी वजह तों ऐ कुछ दिन पहलां गर्मी सी, अज थोड़ा जिहा मौसम नॉर्मल, फिर कल गर्मी सी। ते इस वजह तों मौसम दी तब्दीली दे नाल मक्खी ते चिचड़ बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंजिंग दे दौरान चिचड़ ते मक्खी ज़्यादा हो जांदे ने। तो इस बस के वजह तो भी चिचड़ मक्खी ज़्यादा सी, तो हूँ लेकिन जोड़ा ना शिद्दत थोड़ी जी गर्मी की कम हो गई, नमी वाला मौसम हो गया, तो वो जानवर जो चिचड़ तो मक्खी काट रहे हैं, वो नाल जानवर थलेरी या बजूरी आ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्लाज्मा की भी मसला बन रहे हैं, जोड़ा ना जानवर बहुत ज़्यादा छोटे, खास तौर पर जो छोटे बच्चे नाम लोग जो दुध पीते हैं, 3 महीने तक वाले बच्चे ने, उन्होंने थले पहले नंबर पर एहतियाती तदाबीर ये हो कि तुम चिचड़ा तो मक्खियों की स्परे लाजमी करो। उस तो बाद जोड़े थोड़े खुरली अगर पलस्तर नहीं हुई या वो कोई इटा शिटा पे, उन्होंने पलस्तर करो, तो वो कोने खुदरे वाली जगह ना हो जिद चिचड़ तो मक्खी रह सके। जनाब थलेरिया तो बजूजिया तो ये प्लाज्मा जड़े ने त्रैवे ऐसे जरासीम तो ऐसे समझो कि ब्लड इनफेक्शन ने जोड़े जानवर मौत के मूँह लै जाते हैं, तो ये पता भी नहीं लगन देंगे, अंदरों अंदर जानवर खत्म कर देंगे, क्योंकि तिने बीमारियां ज़्यादातर खून के हमला कर दें, तो खून की बीमारी का एड्डी छेती पता नहीं लगता। उसके वास्ते सब नाल पहला दिया दबीर ये हो कि जड़ा ना तुम स्परे करो। असी इस टाइम है फेंडोना तो एक्टोरेड और भी कोई कंपनी वाली वो भी कर रहे जी मिल जाए, अक्सर तो जेडे टाइम हूँ मक्की का मौसम है तो स्प्रेवं लभनिया ही महंगा ने, जो लैन टोर जो उन फिर अगर पिछले पेंदियां रुलदियाँ रहेंदियां ने उदू सस्तियां देते हैं, उदू लैके स्टाक इकट्ठा ला कर लिया करो, क्योंकि अगर करनिया तो होंगे पता भी है मक्खी आनी है। दूजे नंबर पर जोड़े दोस्त खून आप ही कढ़ सकते हैं, उन्होंने अगर तुम जानवर ढिला महसूस हों तो जरा थलेरिया का इको जरा चांस भी पता लग जाता भी जानवर जरा ना अखा थोड़ी जी सुज जा बाहर की तरफ निकल आदि, थोड़े जे कन नीवे कर जाता तो मूँह थोड़ा थलमी सैड से करके छिकाओ करके खलो जाता है। उस तो बाद कैमरे से लैके वो इस जगह पर ना यह कच्छ के इस जगह तो गिल्टी है ना घुट के अगर चैक करोगे ना दबा के थोड़ा जि घुट के चैक करोगे तो तुम अगर गिल्टी गिल्टी महसूस हो रही है ना भी ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे दाने बने ने, मोटे फोड़े ने या कोई वट्टे जब मान तुम अगर जाहिर हो समझो कि उन्हू थलेरिया की शिकायत है। उन्हू पक करन वास्ते असी तो खुद सिलेंडर लिया, मैं सिलेंडर भी तुम दिखा वा, सिलेंडर पेन साढ़े को असं खुद उन्होंने टीके इंजैक्शन कड़ के सिलेंडर च पा लेगा, तो आपे उन्होंने दे आईदा लबार्टरी वाले, लबार्टरी तो साढ़े नज़दीक है वो सानू सहूलत है, वो लबार्टरी करके सानू दस देंगे ने। हाँ शर्त तो यह भी पहले नंबर पर लबार्टरी अगर करानी है खून कढ़ना उन्हू 24 तो 48 घंटे पहला कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक टीका नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि फिर रिजल्ट असल ओरिजिनल जोड़ा रिजल्ट होंगे वो नहीं आना, रिजल्ट के छको बुनियाद रह जाती थलेरिया बजूरिया या प्लाज्मा। अगर वो तुम महसूस कर दौ कि अगली गर्दन के नाल करके उसे गिल्टियाँ है ने, तो असं तुम उन्होंने जोड़ा ना चैकअप कर लो, अगर तुम तजर्बा है कि थलेरिया उस जानवर में तो वह सौखा हल ही है, डॉक्टर के पहुँचने तो पहला पहला अपना हल आप ही कर सकते हो, तो वह एक महंगा टोटका है समझो कि एक वड्डा झटका ही है, तो जोड़ा बंदे वास्ते एक तो असी तो जानते हैं लूटालैक्स लगा देने, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वह इंशाफ ऐसा पै जाता कि दोबारा लगना पै जाते बच्चे 2 से 3 CC अक्सी एल छोटा बच्चा जो दुध पी रहा महीने डेढ़ का हो, अगर उन्होंने थलेरिया हो गया तो उन्होंने अक्सी एल 2 से 3 CC लगा दो, 3 CC या 2 CC जो अच्छा तुम्हें लगे ब्यूटालैक्स, ब्यूटालैक्स नहीं लैना ब्यूटालैक्स लवो, तो वो इन लगा दो कि इंशाला 10 से 12 घंटे के बच्चा थोड़ा रिपेयर हो जाएगा, रिपीट नहीं करना पेगा तुम्हें, अगर रिपीट करना भी पवेगा 8 से 10 घंटे बाद 12 घंटे बाद सिर्फ ऑक्सी एल दोबारा लगाना है, अगर वो फिर भी तशवीश ना आए तो उस तो बाद सैंपल करवा सकते हो।